मुझे वो लोग जो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ कनेक्ट है जरूर बताएंगे कि किस किस ने मिट्टी के खिलौनों के साथ खेला है। आज मैं गई थी कुछ हांडी वगैरह लेने और खीर की सिकोरियां लेने, तो मुझे वहां पर अपने बचपन की याद आई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आमना के लिए लेकर जाती हूँ। आमना तुम्हें पसंद आया? Yes. और आमना ने इसको खोलने के लिए, इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए 2 से 3 दिन इंतजार किया, क्योंकि जाहिर है मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो, तो आज मैंने कहा जरूर बना लेते हैं आमना। तो आमना करेगी इसको अनबॉक्स। कितने देखे आप, प्यारे प्यारे लग रहे हैं मिट्टी के खिलौने। मैं इसे टेप निकाल देती हूँ और फिर ये आपको, बल्कि मैं ही इसको दिखाती जाऊँगी कि हमें, अच्छा मैं इसे बचपन में बहुत खेलती थी, मैं और मेरी छोटी बहन, और हम जो है ये देखें कितनी खूबसूरत हरमट की है, बहुत प्यारे बनाए इन्होंने। ये दूसरी छोटी है, अच्छा मैं समझती हूँ ये है जैसे किसी चावलों के लिए, और ये है किस सालन के लिए, दाल के लिए। अच्छा जनाब, ये साथ इन्होंने दिया है ग्लास पिंक, कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो कैसे लग रहे हैं। और ये है प्लेट, ये देखें कलर्स, देखें कलर कॉम्बिनेशन। और ये है मिट्टी का चूल्हा जो कि गांव में होता है, और इस पे पका के जो मुझे मजा आता था, ये देखें इस तरीके से रख दिया इस पे, और जो है आपने इस तरह से इस पे रखना होगा, और आपने इसमें करनी होगी कुकिंग, जो भी आपको पकाना है जैसे कि बच्चे करते हैं। अच्छा जनाब, कैसा लगा भाई आपना ये गिफ्ट तुम्हें? माशाल्लाह बहुत अच्छा, थैंक यू। और उन गिफ्ट से ये अच्छा है, जैसे कि आज के दौर में बच्चे, जाहिर है सबके बच्चे आपको पता है कंप्यूटर पर लगे रहे, मतलब सब टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, तो उसमें अगर बच्चों को कभी कोई ऐसी कोई चीज़ दी जाए तो अच्छा होता है, थोड़ा सा माइंड भी चेंज होता है बच्चों का, और थोड़ा आँखों को दिमाग को आराम भी मिलता है बच्चों के। तो आमना को बहुत पसंद आया था, खोलना चाह रही थी, खेलना चाह रही थी, मैंने कहा आज बना डालते हैं वीडियो और अपने व्यूवर्स से, अपने नाज़रीन से पूछते हैं कि किस किस ने मिट्टी के खिलौनों के साथ खेला है और जो है अपनी प्यारी यादें इसके साथ जोड़ी हैं। तो बस अब क्या करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना है, और जो है वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके देखते रहना है, बने रहना है। सबने अपना ख्याल रखना है, मेरी ढेरों ढेर।